बढ़ती महंगाई में जब ऐसी गाड़ी लॉन्च हो जाए तो मजा ही आ जाता है, और उसके साथ साथ जिस प्राइस पे ये आई है दैट्स अमेजिंग। अगर ऑन रोड सोच रहे हो इसके प्राइस का तो 10% इस प्राइस में ऐड कर लो, चाहे बेस टू टॉप ले लो, दैट इज रियली रियली गुड। अब यहाँ पर बहुत सारे नए फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं, मिलिए द ऑल न्यू ऑल्टो K10 से। यहाँ पर फीचर्स वाइज और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, एक तो नया इंजन है 24.9 KMPL की यहाँ पर आपको माइलेज प्रोवाइड कर रहा है, और उसके साथ साथ एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स भी यहाँ पर आपको मिलने शुरू हो गए हैं प्रॉपरली K10 के साथ। अब यहाँ पर आपको मैनुअल और AMT दोनों ऑप्शंस प्रोवाइड की जाती हैं। शुरुआत करते हैं इसके डिज़ाइन से, तो यहाँ पर सबसे पहले वो ग्रिल वाला नहीं है, यहाँ पर नीचे की तरफ भी आपको एयरडैम और ग्रिल एक जैसा यूनिट ही देखने को मिलेगा, बट काफ़ी बड़ा यहाँ पर मिल जाता है, ज़्यादा छोटा नहीं है। सुजुकी लोगो क्रोम का काम, बता दूँ कि ये क्रोम असेसरी है ये वाली, बिकॉज दिस इज़ असेसरी पैक। ये है ग्लिंटो, और इस तरह का एक इम्पैक्टो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। ग्लिंटो वाले में क्रोम काम ज़्यादा किया गया, दिस इज़ एन असेसरी, यहाँ पर भी आपको असेसरी देखने को मिल जाएगी। वो वाला वेरियंट भी आपको दिखा देता हूँ। ओवरऑल देखेंगे तो ऑफकोर्स आपको हैलोजन सेटअप मिलेंगे, लाइट्स भी यहाँ पर, एलईडी पोजीशन लैंप भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बल्ब भी मिलेगा, इंडिकेटर भी आपको मिलेगा। फॉग लैंप किस तरह के नहीं है, फॉग लैंप की हाउसिंग भी नहीं है, बट हम सोच भी नहीं सकते बिकॉज जिस प्राइस में आती है जरूरत नहीं भी पड़ती। अगर आप इसके साइड प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ पर आपको 13 inches के टायर्स मिल जाते हैं, विद स्टील व्हील्स एंड कवर भी आपको ऑफर किया जाता है। JK टायर्स हैं यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जो कि आपको 145/80/R13 है यहाँ पर रेडियल मिल जाएंगे, बट हाँ थोड़े साइज बड़ा होता तो ज्यादा अच्छा लगता। इंडिकेटर यही वही पता नहीं कितने सदियों से चलता आ रहा है, वही इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिलेगा बॉडी के ऊपर क्लैडिंग पर ही। इस तरफ यहाँ कुछ भी नहीं है, व्हील आर्क के पास ही आपको सारी चीजें मिलेंगी। क्रोम का काम इस तरफ भी साइड पे आपको पूरा देखने को मिलेगा, बॉडी कलर डोर हैंडल्स है, आप कॉस्ट भी तो बचानी है, पैसे भी तो बचाने। यहाँ पर ये एसेसरी पैक है, इस तरफ ऑब्वियसली आपको कोई इंडिकेटर नहीं है, बट ये जो डिजाइन है ये आपको एक एसेसरी पैक मिल जाता है। वैसे ये ब्लैकड आउट ही आएगा, बॉडी कलर नहीं, यहाँ पर आपको ऊपर मिल जाता है इसके पूरा एसेसरी। अब इसी तरह रेन वाइजर्स भी एक एसेसरी पैक का काम ही करते हैं। अब एक गाड़ी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, द इंजन, जो कि चेंज कर दिया गया है। दिस इज़ अ K10 सीरीज वाला बेसिकली इंजन है, 1 liter का यहाँ पर आपको मिल जाता है विद 66 bhp एंड 89 Nm ऑफ टॉक। अब सबसे अच्छी चीज़ इस बात की क्या, NVH लेवल्स बेटर है, रिफाइनमेंट बेटर है, और सबको जो हर किसी को पसंद आती है माइलेज, जो गाड़ी चलानी है पेट्रोल पंप पे कम से कम जाना है, तो 24.9 KMPL की माइलेज ये क्लेम करता है, बट रियल लाइफ में 20 के आसपास आप इसको एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ड्राइवर भी बहुत जल्दी आ रहा है, माइलेज टेस्ट भी होगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल को। अब यहाँ पर आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन तो मिलती है, साथ में ऑटो गियर शिफ्ट AGS यानी कि AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो आपको ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है वो भी इस गाड़ी के साथ ऑफर की जाती है। तो अब अफोर्डेबिलिटी तो है ही, फीचर्स भी हैं, साइज डायमेंशंस भी अच्छा, और उसके साथ साथ ड्राइविंग भी आपकी बहुत बढ़िया हो जाती है, पावर वाइज भी और कन्वीनियंस वाइज भी, बिकॉज आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक भी ऑफर किया जाता है। कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता दो। अब अगर इंटीरियर की बात करें, सबसे पहले जो मुझे अच्छी चीज़ ये लगी है वो ये है कि सीट की जो हाइट है वो थोड़ी सी बढ़ गई है, तो अब बैठना काफ़ी इजी हो गया है, और आपको राइडिंग हाइट भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, पोजीशन बढ़िया रहती है, तो वो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इंक्रीज जो है वो इंप्रूव किया गया एज़ कम्पेयर टू द ऑल्टो 800 K10 में, ये आपको एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, बिकॉज अब नीचे झुककर आपको पूरा बैठने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर एक अच्छी हाइट पर बैठ सकते हो। स्टीयरिंग मॉडल कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पर ऑफर किए जाएंगे, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर मिल जाती है इसकी डिजिटल स्क्रीन भी। हाँ यहाँ देखिए कि नॉर्मल की ही लगेगी, किस तरह को कोई कीलेस एंट्री या पुश बटन स्टार्ट नहीं है, रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, की के ऊपर ही आपको लॉक अनलॉक का बटन मिल जाएगा। इस तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा IRVM, जो कि किसी भी तरह के एडजस्टमेंट के साथ नहीं आता है, बट एटलीस्ट है, और यहाँ पर मिल जाती है इसकी हेलोजन लाइट्स। इस तरफ कुछ नहीं, इस तरफ भी कुछ नहीं आपको मिलेगा, बट अच्छी चीज़ ये है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगा है कि हाँ इंटीरियर में थोड़ा सा है कि अच्छा लग रहा है, बिकॉज स्पेशियस आपको थोड़ा सा कैबिन मिल जाता है। अभी मैं ऑल्टो 800 में मैंने काफ़ी चलाई है, उसके कंपैरेटिवली मुझे लगता है यस थोड़ा सा फ़र्क है, चाहे वो व्हील बेस की वजह से, चाहे वो लेंथ की वजह से, बिकॉज ऑल्टो K10 की डायमेंशन भी अलग है। यहाँ पर आपके लिए डायमेंशन कंपैरिजन लगा देता हूँ आपको आइडिया के लिए कि 800 में और K10 में क्या फ़र्क आपको देखने को मिल जाता है, बट डेफिनेटली इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग व्हीकल। इस तरफ अगर देखोगे तो आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिशिंग मिलेगी। ये एक एसेसरी पैक, और ये भी एसेसरी जो कि नीचे लाइट प्रोजेक्ट करता है, अभी आई थिंक ये ऑफ है, लेकिन अगर आप ओवरऑल यहाँ देखेंगे तो आपको स्टोरेज फिर भी ठीक ठाक मिल जाती है, प्लस जो ORVM है उसको जॉयस्टिक से आप एडजस्ट कर सकते हो इंटरनली, ऑब्वियसली आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं मिलता। और पावर विंडो की कंट्रोल सेंटर में आपको वो भी दिखा देता हूँ। इंटीरियर में 7 inch की आपको टच स्क्रीन मिल जाती है, स्मार्ट प्ले प्रो इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिलेगा, स्मूथ ऑपरेशन है, हालांकि अभी यूज़ नहीं कर पा रहे, बट वो पहले वाला ये तो हमें पता है ना कि हर जगह यही यूज़ करती है मारुति। पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको इस तरफ मिल जाएंगे, हैजर्ड लैंप्स आपको यहाँ मिल जाएगा, मैनुअल आपको AC ऑफर यहाँ पर किया जाता है, और इसके साथ साथ आपको 12V का सॉकेट और USB पोर्ट्स वगैरह भी यहाँ पर ऑफर करती है कंपनी। अब ये सब एसेसरी पैक है, चाहे ये चार्जर हो, चाहे ये वायर हो, चाहे ये एयर प्योरीफायर हो, ये सब आपको एज एन एसेसरी यहाँ पर मिलेगा। मैट भी एसेसरी ही है। अब आपको ग्लव बॉक्स दिखा दूँ,
ग्लव बॉक्स ध्यान से देखेंगे तो डिसेंट साइज है, आपको स्कूल नहीं है लेकिन आपको अच्छा खासा जगह यहाँ पर मिल जाती है स्टोरेज की। सबसे पहले नी रूम यहाँ पर आपको अच्छा खासा मिल जाता है, आगे बैठे विवेक सैनी, 5'10" 5'11" इसकी हाइट होगी एंड उसके साथ साथ यहाँ पर फिर भी अच्छा खासा मुझे नी रूम मिल जाता है। तो डेफिनेटली 800 के कंपेरेटिवली स्पेस ज़्यादा है क्योंकि डायमेंशन में फ़र्क आया है। और यहाँ पर लेग रूम भी मेरे को मिल जाता है और अंडर थाई सपोर्ट भी बढ़िया, बिकॉज ये जो सीट है ना इसका इंक्लाइन एंगल है इस तरीके का कुछ, तो उस वजह से मेरे को अंडर थाई सपोर्ट भी मिल जाता है। माई हाइट इज़ 5'8" और कंफर्टेबली मैं बैठ सकता हूँ, मुझे शिकायत नहीं होगी ऑल्टो की रियर सीट में बैठने पे भी। फीचर वाइज ऐसे आपको यहाँ कोई एसी वेंट या यूएसबी चार्जिंग नहीं मिलेगी, बट हाँ आपको फिर भी एक स्पेस अच्छी मिल जाती है कंफर्टेबली, तो दो लोग ही बैठ पाएंगे, एडजस्ट करेंगे तो तीन भी आ जाएंगे। और हेडरूम डिसेंट इनफ, ऑल्टो से जितनी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा बेटर ही है। आओ आपको बूट स्पेस दिखाता हूँ। रियर साइड की बात करें तो आपको हाई स्टॉप लैंप यहाँ पर ऑफर किया जाता है, ऑफ कोर्स डिफॉगर या वाइपर वगैरह कुछ भी नहीं। और नीचे की तरफ चलेंगे तो आपको ये मिल जाती है इसकी टेल लैंप जो कि हनीकॉम डिजाइन के साथ आती है, काफी चंकी तरह बड़ी है, सारा कुछ आपको बल्ब सेटअप ही देखने को मिलेगा बट लुक्स गुड। ऑल्टो K10 की बैजिंग यहाँ पर है, क्रोम का काम जैसे कि बताया मैंने इस एक्सेसरी पैक में आपको मिलेगा। रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको दो मिलेंगे, बट ध्यान दें कि रिवर्स पार्किंग कैमरा अभी भी इसमें नहीं आता है, वो आपको लगवाना पड़ेगा, वो यहाँ लगेगा एक्चुअल में, यहां तो नहीं यहां पर लगेगा। अब एक बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन इसकी सेफ्टी, यहां पर 15 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स मारुति कंपनी ऑफर कर रही है। अब स्टैंडर्ड में आपको ABS, EBD, ड्यूल एयरबैग्स आपको साथ में मिल जाते हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, सीट बेल्ट प्रोटेक्शनर्स मिल जाएंगे, इस तरह के सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी को काफी बढ़िया बना देते हैं। प्लस 5th जनरेशन इसका हेयरटेक प्लेटफॉर्म भी है। अब देखते हैं इसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग कब और कब कैसी आती है, वो अभी तो टाइम ही बताएगा, लेकिन डेफिनेटली ऑल्टो K10 एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। जिस प्राइस पर ये सामने आई है डेफिनेटली हर किसी को पसंद आने वाली है। और आप क्या सोचते हैं नहीं ऑल्टो K10 के बारे में, इंटीरियर एक्सटीरियर प्राइस ऑन रोड प्राइस अगर आप देखना चाहते हैं तो इसमें जो भी एक्चुअल रूम प्राइस आपको यहाँ पर दिख रही है उसमें आप अपनी अकॉर्डिंगली, दिल्ली के ऑन रोड में हम सिर्फ 10% ऐड करते हो तो आप उस अकॉर्डिंगली सोच के चल सकते हैं। सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग द न्यू ऑल्टो K10। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले एंड उसके साथ साथ नीचे कमेंट करें अपना ओपिनियन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ऑल न्यू ऑल्टो K10। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।